कहाँ पे आए हैं आप आज? कश्मीर यूनिवर्सिटी. सो दिस प्लेस इज सेंट्रल एशियन म्यूजियम. क्या है? गुड. सो हैव यू बीन एवर बीन बिफोर टू म्यूजियम? इससे पहले आप म्यूजियम गए हैं कभी? पहला विजिट है म्यूजियम. तो म्यूजियम क्या होता है? बस म्यूजियम. नाइस नाइस नाइस. एक लैप्स हो जाए. बहुत बढ़िया. ये किसने बोला है आपको? नहीं नहीं नहीं, आपको किसने बोला? आपने बोला ना? किसने बोला? किसने बोला आपने? टीचर्स ने. गुड गुड. सो म्यूजियम इज अ प्लेस. म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां पे अपने हम अपने कल्चर के अपने तारीख जो हमारे हमारा पास्ट होता है हमारी हिस्ट्री होती है उसके रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जिनमें हिस्टोरिकल एस्थेटिक सेंस हो जिन चीजों में वो प्रिजर्व करते हैं. किन के लिए प्रिजर्व करते हैं? आप जैसे बच्चों के लिए. ठीक है. सो ताकि आप आए म्यूजियम में, आप देखें म्यूजियम और आप ये जान लें कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो दादा परदादा जद अजदाद जो हुआ करते थे, वो कैसे किन चीजों के जरिए वो अपनी अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे. ठीक है. सो इसका बेसिक मुद्दा और बेसिक वो जो मकसद होता है म्यूजियम का यही होता है कि जो भी जनरेशन होती है, जो भी पिछली गई हुई नस्लें होती हैं, पिछले गए हुए कल्चर्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो म्यूजियम में रखी जाती है. सो आज आपने सेंट्रल एशियन म्यूजियम देखा. तो आपने सेंट्रल एशियन म्यूजियम में एक पर्टिकुलर जगह भी देखी होगी. वहां पे कॉर्नर में आपने देखा होगा कि स्मॉल बहुत तेज स्टोन टूल्स आपने देखे होंगे. देखे आपने? सो वो स्टोन टूल्स कश्मीर के जो पुराने जमाने के लोग थे, जिस उस पीरियड को हम कश्मीर की हिस्ट्री में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं. क्या कहते हैं? सो उस नियोलिथिक पीरियड के लोगों के निशानात है, उनकी एविडेंसेस है कि वो उनके पास कोई तब कोई पत्थर के सिवा उनके पास कोई टूल ही नहीं होता था जिससे वो अपना काम करते थे. अब टूल की क्यों जरूरत थी? किस लिए जरूरत? अब किस लिए जरूरत थी? हाँ, गुड. हंटिंग, उनको हंटिंग में काम आते थे टूल्स. उनको एग्रीकल्चरल पर्पस में टूल्स काम आ जाते हैं. उनको पेड़ काटने के यू नो काम में आ जाते थे टूल्स. सो उन्होंने वो टूल्स बनाए. मगर चूंकि उस टाइम किसी रॉ मटेरियल की इजाद नहीं हुई थी, मिसाल के तौर पर ना आयरन ही इजाद हुआ था, ना कॉपर ही, ना ब्रोंज ही इजाद हुआ था नियोलिथिक पीरियड में. सो देयर वाज नो अल्टरनेटिव, कोई मुतबादल नहीं था. ठीक है. तो एक ही सोर्स था, वो था स्टोन. सो स्टोन से ही इंसान ने शुरू किया है. अगर आप पैलियोलिथिक पीरियड पे जाएं तो वेरी क्रूड स्टोन टूल्स हुआ करते थे, बहुत ना खुरदरे जिनको हम बोलते हैं, मतलब उतना साफ उतने तेज नहीं हुआ करते थे, बट स्टोन के ही हुआ करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में. देन वी हैड अ नियोलिथिक पीरियड इन कश्मीर. नियोलिथिक पीरियड में भी आप देखें कि बहुत तेज हुआ करते थे, मगर फिनिश्ड स्टोन टूल्स. इसमें एक तरक्की हुई फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड टू नियोलिथिक पीरियड, एक तरक्की हुई स्टोन टूल बनाने में. ठीक है. देन देयर वाज अनदर पीरियड व्हिच इज कॉल्ड मेगालिथिक पीरियड और मेनी अदर पीरियड्स लेटर हिस्टोरिक पीरियड. उसमें ज्यादा तरक्की हुई कि रॉ मटेरियल्स इजाद हुए, लोगों ने डिस्कवर किया कि आयरन कैसे निकाला जा सकता है और उसको कैसे पिघलाया जाता है और उससे कैसे टूल्स बनाए जा सकते हैं. सो ये चीजें बाद में हुई. सो वहां से गुजरते गुजरते हम इस दौर में पहुंच गए कि जब हमारे पास बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं. हम जहाज में सफर करते हैं, जो पिछले कई सदियों पहले जो सफर लगभग लगभग मान लीजिए 6 महीने का होता था, वो एक दिन में करते हैं हम आज. है कि नहीं भाई? फ्लाइंग. ठीक है. सो सिमिलरली ये डेवलपमेंट्स होती रही कल्चर सोसाइटी और नॉलेज में. तो म्यूजियम एक ऐसी चीज है, म्यूजियम एक ऐसा असासा होता है जहां पे ये सब चीजें जमा करके रखी जाती है और उन चीजों को लोग, आप जैसे बच्चे या वो लोग जो
इस फील्ड के रिलेटेड नहीं है, वो आके देखते कि क्या क्या हुआ करता था पुराने जमाने में, ठीक है। अब जो कि आपने ये देखा, पूरा म्यूजियम देखा आपने, इट्स ए वेरी स्मॉल म्यूजियम, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट वी हैव अ गुड यूनिक कलेक्शन हियर जो कहीं पे आपको शायद बहुत कम जगह पे मिलेगी। सो अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा म्यूजियम देख के, एनीबडी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग जो आपने म्यूजियम में देखा आप जानना चाहेंगे, बोलिए। कोई क्वेश्चन है आपने? नो क्वेश्चन। अच्छा, जो आपके पीछे, वो आपके पीछे जो स्केलेटन है ना, दो आपने देखे, वो हड्डियों के ढांचे देखे आपने, तो ये क्या है? वो ठीक है, मगर क्या है, किस जमाने के हैं? नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक, मैंने बोला ना आपको शायद। दीज आर फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड, फ्रॉम बुर्जुहम। बुर्जुहम पता है कहाँ है? बुर्जुहम इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कश्मीर, यहाँ से लगभग अराउंड 8 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो बुर्जुहम एक जगह है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे खुदाई हुई थी बहुत साल पहले, 1960s एंड 70s तक वहाँ 10 साल खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें निकली, और ये दो चीज़ें भी वहाँ से ही निकली, क्योंकि वो टूल जो है वो भी वहाँ से ही निकले, तो हमने इनको प्रिजर्व करके रखा है सिर्फ इसीलिए कि लोग आके देखें, ठीक है। और कुछ? तो आई वुड हैव गॉन इनटू डिटेल, बट थिंग्स आर लाइक यू नो, बहुत छोटे बच्चे हैं तो दे विल गेट इंटरेस्टेड, तो उनको ये स्कूल में दे दीजिएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, सो दे विल गेट गुड इन टच विद हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। Next.